हेलो गाइस, मैं हूं इस चैनल का होस्ट और आप सबका दोस्त। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं किस तरीके से आप अपनी फेसबुक आईडी का जो नेम अपडेट पे ले जा सकते हैं, वो ट्रिक बताने वाला हूं। बहुत ही आसान सा तरीका है, ये अभी वर्किंग चल रहा है। तो आप भी अगर कुछ और आईडी बनाना चाहते हैं, जैसे इनवैलिड शो का हो या फिर नेम अपडेट के थ्रू वेरीफाई करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से बड़ी आसानी से जस्ट नाउ पे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों, लाइक के पैसे नहीं लगते हैं, पर हमारा हौसला बढ़ता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपनी फेसबुक आईडी को लॉगिन कर लीजिए किसी भी ब्राउज़र पर, और उसके बाद सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पर चले जाइए। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर जाना है, फिर नेम एडिट पर जाना है। दोस्तों, यहाँ पर एक और ज़रूरी बात मैं आपको बता दूं कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ जो है वो आईडी प्रूफ के हिसाब से रख लीजिएगा। अगर आपने आईडी बनाते समय कोई और डेट ऑफ बर्थ दिया है, तो नेम अपडेट से पहले आईडी प्रूफ के हिसाब से ही डेट ऑफ बर्थ भी चेंज कर लीजिएगा। फ़िलहाल मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आईडी बनाते समय ही आईडी प्रूफ का जो डेट ऑफ बर्थ है वो लिखा था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं, आपको नेम चेंज का ऑप्शन मिल रहा है, तो सबसे पहले इसको हटाना पड़ेगा, यानी कि नेम चेंज का जो भी ऑप्शंस रहेगा वो ना रहे। इसलिए हम इस यहाँ पर एक बार नेम चेंज कर लेते हैं। तो सिंपल सा जो है, मैं यहाँ पर जो सरनेम है उसको हटा के कुछ और सरनेम रख के चेंज कर लेता हूँ दोस्तों। और ये रिव्यू मैंने चेंज कर लिया। अब यहाँ पर पासवर्ड देके हम इसको सेव कर लेंगे। तो देखिए, नाम मैंने चेंज कर लिया दोस्तों। अब एडिट पर फिर से हम क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए, यहाँ पर कोई ऑप्शंस नहीं है। तो अब हम यहाँ पर लर्न मोर पे, आप बीच में देख सकते हैं ब्लू कलर पे, उस पर हम क्लिक करेंगे। तो लर्न मोर पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। आप स्क्रॉल करके नीचे आइए और फिल आउट दिस फॉर्म टू रिक्वेस्ट ए नेम चेंज एंड कंफर्म योर नेम, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर अब ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम जो भी आपका आईडी का प्रूफ का है वो आप यहाँ पर लिख लीजिए। उसके बाद जो भी सरनेम है वो भी यहाँ पर लिख लीजिए इस तरीके से। सरनेम लिखने के बाद दोस्तों, आपको स्पेस देना है और कैपिटल में लिखना है M.M.M, फिर स्पेस देना और लिखना है सेक्सी SEXXY। इस तरह से लिखने के बाद दोस्तों, अब जो है आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है और यहाँ पर एक रीज़न चुनना है। तो आप ऐसा कोई भी रीज़न चुन सकते हैं, नॉर्मली स्पेलिंग मिस्टेक का, या फिर एडिंग ए निकनेम आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक का सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों, अब यहाँ पर आपको जो भी आपका आईडी प्रूफ है रियल, या जो भी आपने एडिट किया होगा, वो आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ दोस्तों। तो ये मैंने अपलोड कर दिया दोस्तों। अब यहाँ इसको हम सेंड कर देंगे। तो ये सेंड हो रहा है दोस्तों, तुरंत ही सबमिट हो जाता है। तो जैसे ही ये सबमिट होगा दोस्तों, आपके सामने लॉग आउट का ऑप्शंस आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर लॉग आउट कर लेना है। तो ये देखिए, मेरा सबमिट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो आजकल जस्ट नाउ पे हो जा रहा है, 1-2 मिनट के अंदर ही हो जा रहा है आपका। तो आप यहाँ पर पहले लॉग आउट कर लीजिएगा, हो सकता है कि आपके लॉग आउट करते करते ही आ जाए, जैसे मेरा आ चुका है। तो अब मैं यहाँ पर आईडी को लॉगिन करूँगा। आप देख सकते हैं अजय शर्मा के नेम से है। अभी मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, ये देखिए आईडी अपडेट नेम पे जा चुकी है। अब यहाँ पर आप डोंट अपडेट करके जो भी बनाना चाहते हैं आईडी, वो बना सकते हैं। तो बस दोस्तों, इतना ही था इस ट्रिक में। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट शेयर भी ज़रूर कीजिए।
वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।